हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्सेस। मैं सूरज महतो, और आप लोगों ने अगर मेरा प्लेलिस्ट देखा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, तो ये वाला वीडियो तो देखा ही होगा। एक्चुअली मैं ये वीडियो में क्या था ना, जहाँ से मैंने उस समय वीडियो बनाया था, क्वेश्चन फॉलो किया था ना, तो वहाँ पे ये पार्ट मिसिंग था, लाइक फाइंड द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 26 टू 30 डेज। और फिर बाद में क्या हुआ है, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आया तो सब लोग PYQ फॉलो करते हैं, तो उसमें वो पार्ट पूछा है। तो लोग मुझे बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे, पर्सनल चैट पे भी पूछ रहे थे, भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये बता दो, इसके एग्जाम को पहले ही कर दो। तो मैंने क्या किया ना, इसी वीडियो को क्या किया है ना, उसमें एडिट किया है लाइक फर्दर पार्ट में, और इसको मैं फिर से अपलोड कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को सिर्फ उतना पार्ट देखना होगा तो सिर्फ वो देखना, जिन्होंने अभी तक ये वीडियो देखा ही नहीं, तो वो ये पूरा शुरू से देख सकते हैं, उनके लिए एक नया ही सम होगा। तो आई होप ये पार्ट आपको समझेगा। आज जो हम लोग क्वेश्चन देखने वाले वो PERT पार्ट हम लोग देखने वाले, तो उसको कैसे, जब भी पार्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो उसको कैसे करना है सॉल्व, वो हम लोग देखते हैं। और CPM और पार्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्यों हम लोग को पार्ट को थोड़ा अलग से करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। फ्रेंड से जो है एक पार्ट का समय, अभी हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वो जो क्वेश्चन है वो CPM का नॉर्मल है या फिर पार्ट वाला समय। तो CPM में ना आप लोगों को सिर्फ एक ही टाइम दिया हुआ होता है, लेकिन पार्ट में है ना आपको 3 टाइम दिया होता है, और उससे हम लोगों को एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो यही पार्ट को पहचानने का तरीका, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। अगर आप लोग पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उसमें हर साल आप लोग देखोगे कि पार्ट के ऊपर क्वेश्चन हर बार जरूर पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को है ना एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है TEE, मतलब टाइम एक्सपेक्टेड इक्वल टू T0 + 4 TM प्लस TP अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग को हर एक एक्टिविटी के लिए जो है एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो टाइम ए के लिए हम लोग देखते हैं। तो ए के लिए एक्सपेक्टेड टाइम हमारा क्या हो जाएगा, T0 की वैल्यू कितनी है, 5 है, प्लस 4 इंटू यहाँ पर कितना है, सॉरी T0 की वैल्यू 3 है, प्लस 4 इंटू यहाँ पर कितना 6 है, तो 4 6 जा हो जाएगा प्लस 9 अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 6 4 जा 24 + 9 अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा, 24 3 27 और 9 36 अपॉन 6 हो जाएगा। और 36 अपॉन 6 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आता है, तो इसलिए इसका जो ए का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग को बी के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 + 7 × 4 + 8 अपॉन 6। तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 7 4 जा 28 + 8 अपॉन 6। तो 28 और 5 कितना हो जाएगा, 33, और 8 जोड़ेंगे तो 41 अपॉन 6 आया। अभी हम लोग को इसको अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 6 6 जा 36, 5 बचेगा पॉइंट यहाँ पे, फिर 6 8 जा 48 और 2 बचेगा तो 3 जा, तो ये कितना आया, 6.83। तो इसी तरीके से अगर आप लोग सारे वैल्यू CDEF के लिए कैलकुलेट करोगे ना, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, तो आप लोग अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। इसका आएगा आपको 9, इसका आपको आएगा 11.5, इसका आपको आएगा 12.5, फिर 18, फिर 9 और बाद में आएगा 6। तो इस तरीके से आपको सारे जो हमारे एक्टिविटी है उसके लिए आपको एक्सपेक्टेड टाइम मिल जाएगा। अभी एक्सपेक्टेड टाइम के बाद हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड टाइम के बाद हमारा है सिग्मा, जो कि होता है हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे लेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ना सिग्मा, उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है TP - T0 अपॉन 6। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं पहले वाले के लिए कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे TP की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 - 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 अपॉन 6। तो 6 अपॉन 6 जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हमारा पहले वाले का जो स्टैंडर्ड डिविएशन आया वो 1 आया। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड वाला भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 8 - यहाँ पे 5 करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 अपॉन 6, तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर आएगा 0.5। सिमिलरली हम लोग अगर 12 - 6 करेंगे तो 6 होगा, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 15 - 6 करेंगे 9, 9 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। 18 में से 9 गया तो 9 होगा, फिर से ये 1.5 हो जाएगा। 24 में से 12 गया तो 12 होगा, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। सेम यहाँ पे 12 में 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, जिसको अगर हम लोग 12 में 6 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, और उसको अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। सिमिलरली 9 में से 3 गया तो 6 आएगा, तो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। अब स्टैंडर्ड डिविएशन मिल गया, इसके साथ साथ हम लोगों को क्या वेरियंस भी कैलकुलेट करने का है।
वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस जो होता है ना वो हमेशा सिग्मा का स्क्वायर होता है। हमेशा ये आपको याद रखना है कि वेरिएंस जो होता है सिग्मा का स्क्वायर होता है, मतलब सिग्मा स्क्वायर ही हमारा वेरिएंस होता है। तो वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन, और 0.5 का 0.25 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। अभी 1.5 का कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2.25, क्योंकि 15 का होता है 225, और एक नंबर पॉइंट तो स्क्वायर में तो 2 के बाद आएगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझता मल्टीप्लाई कर लेना, आपको यही आ जाएगा। यहाँ पे भी होगा 2.25, ये 2 का हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, और ये इसको 1 का भी 1। स्लैक तो हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाने के बाद कैलकुलेट करेंगे, तो उससे पहले हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो आई होप जो अभी तक मैंने समझा, इसके लिए आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या, एक तो हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके लिए सिग्मा का ये टी पी माइनस टी जीरो बाई सिक्स ये आपको याद रखना है। वेरियंस के लिए क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। अभी हम लोग बनाएंगे नेटवर्क डायग्राम। अभी नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आई होप आपको नेटवर्क डायग्राम बनाने आता होगा, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपने नहीं देखा पिछले लेक्चर तो पहले वो देख लीजिए, ताकि आपको नेटवर्क डायग्राम में कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। नहीं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों का टर्म का यूज़ करूँगा, आपको समझेगा, इसलिए पहले वो सीपीएम का लेक्चर देख लीजिए, तो आपको नेटवर्क डायग्राम में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग इसका नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक्टिविटी को देखते हैं। तो यहाँ पर ए का कोई प्रेसिडेंस है नहीं, बी का भी कोई नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्टार्ट को कंसिडर करते हैं। ये हो जाएगा हमारा स्टार्ट, और ए किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टार्ट पे डिपेंड कर रहा है ना। तो हमारा ए जो है वो स्टार्ट पे डिपेंड कर रहा है। ए को कितना टाइम लगेगा, ए का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो 6 है, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 है। सिमिलरली हमारा बी भी किस पे डिपेंड करता है, किसी भी कोई भी इसका प्रेसिडेंस नहीं, मतलब स्टार्ट पे डिपेंड करेगा। तो बी, और बी का टाइम कितना लगेगा, एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो 6.83 है, और इसका जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 0.5 है। फिर सी, सी हमारा किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। सी जो है हमारा ए पे डिपेंड करता है, और सी का एक्सपेक्टेड टाइम अगर आप लोग देखोगे तो वो 9 हम लोग को मिला है, और सिग्मा हमारे पास कितना है, 1 है। सी के बाद डी, डी किस पे डिपेंड करता है, डी भी जो है वो ए पे ही डिपेंड करता है, और डी का अगर आप लोग एक्सपेक्टेड टाइम देखोगे तो वो यहाँ पे 11.5 है, और हम लोग को जो सिग्मा है वो है 0.1.5। फिर यहाँ पे डी के बाद ई, ई किस पे, बी पे डिपेंड करता है। ई जो है हमारा वो बी पे डिपेंड कर रहा है, और ई का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 12.5, और हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 1.5। ई के बाद हमारा क्या है, एफ, एफ का प्रेसिडेंस अगर देखोगे तो ये भी बी पे ही हमारा डिपेंड कर रहा है, तो ये हमारा एफ हो जाएगा जो कि बी पे डिपेंड कर रहा है। और एफ का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो यहाँ पे हम लोग को मिला है 18, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। फिर जी, जी जो है ना यहाँ पे 3 एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, सी, डी और ई पे। तो जी के लिए हम लोग को तीनों एक्टिविटी को बनाना पड़ेगा, सी, डी और ई। और जी का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 9, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1। फिर एच, एच किस पे डिपेंड करता है, सी पे डिपेंड करता है। तो हमारा सी से जो है एच बनेगा, और एच का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो है 6, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 1। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा। अभी एंड कब का होगा, एच का एक एंड है, जी और हमारा एफ। तो ये हमारा नेटवर्क डायग्राम है। अभी नेटवर्क डायग्राम बनने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पाथ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जितने पॉसिबल पाथ है ना, हम लोग उन सारी पाथ को नोट करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से पाथ है हम लोग पहले वो देखते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट से ए जा सकते हैं, पहले तो स्टार्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए जा सकते हैं, ए से सी, सी से एच, और फिर एंड। तो ये एक पॉसिबल पाथ है। सिमिलरली हम लोग स्टार्ट से ए जा सकते हैं, ए से सी, सी से जी, और फिर एंड। फिर हम लोग स्टार्ट से ए जा सकते हैं, ए से डी, डी से जी, और फिर एंड हो जाएगा हमारा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टार्ट से जो है हम लोग यहाँ पे बी जा सकते हैं, बी से ई, ई से जी, और जी से एंड। यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम लोग स्टार्ट से जो है बी जा सकते हैं, बी से एफ, एफ से एंड। तो ये सारे पाथ हमारे पास पॉसिबल है। अभी इन सब पाथ में से हम लोग क्रिटिकल पाथ कौन सा लेना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सभी का जो एक्सपेक्टेड टाइम है उनको ऐड करके देखेंगे, और जिसका जो एक्सपेक्टेड टाइम मैक्सिमम आएगा उसको हम लोग क्रिटिकल पाथ कंसिडर कर लेंगे। जैसे स्टार्ट का तो कुछ टाइम नहीं दिया है,
ए हमारा कितना है, ए हमारा, ए को जो टाइम लग रहा है वो 6 लग रहा है, सी को जो टाइम लग रहा है वो 9 लग रहा है, और एच को जो टाइम लग रहा है वो 6 लग रहा है। तो अगर हम लोग तीनों को जोड़ेंगे तो ये होगा यहाँ पे 21। तो ए ये फर्स्ट वाले पाथ के लिए तो 21 है। सेकंड का देखते हैं, ए सी जी का, ए को यहाँ पे टाइम कितना 6 लग रहा है, सी का टाइम अगर हम लोग चेक करेंगे तो 9 है, जी का 9, तो 9 9 18 6 24। तो ये सेकंड वाले का 24। थर्ड वाले का देखें तो ए का जो हमारा टाइम है वो 6 है, डी का जो टाइम है वो 11.5 है, और हमारे जी का जो टाइम है वो 9 है। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारा 11 9 20, और ये हो जाएगा 26.5। अभी हम लोग ये वाले पाथ के लिए देखते हैं, बी ई जी के लिए। तो बी को अगर टाइम देखोगे तो वो है 6.83, प्लस ई का कितना है 12.5, और जी का वैल्यू 9। तो अगर हम लोग तीनों को जोड़े तो यहाँ पे क्या होगा, ये पहले तो 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 कैरी 1, 2 9 2 11 6 17 1 18 का 8, 1 और 1 2, तो हम लोग कितना है 28.33। और अगर हम लोग बी एफ देखेंगे तो बी एफ का 6.83 प्लस 18, दोनों को जोड़ेंगे तो 24.83। तो ये सारे वैल्यू को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारा जो 28.33 है ना, ये मैक्सिमम है, इसलिए ये जो पाथ है ना ये हमारा हो जाएगा क्रिटिकल पाथ। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर लिया, हम लोगों ने पहले एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट किया, फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, फिर वेरिएंस कैलकुलेट किया। स्लैक के लिए पहले हम लोगों को नेटवर्क डायग्राम चाहिए होती थी, तो हम लोगों ने नेटवर्क डायग्राम बनाया। नेटवर्क डायग्राम के बाद हम लोगों ने क्या किया, क्रिटिकल पाथ फाइंड किया। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्लैक कैलकुलेट करेंगे। अभी स्लैक को कैसे कैलकुलेट करते, तो उसके लिए भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे लेट अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ए का जो है, ए हमारे स्टार्ट पे डिपेंड कर रहा है, और स्टार्ट का तो 0 टाइम है, तो ये 0 पे स्टार्ट होगा, और इसको टाइम कितना 6 लगेगा, तो इसको 6 टाइम लगेगा। सी जो है ये हमारा 6 पे स्टार्ट होगा, ए का वो स्टार्ट होगा जब ए हमारा फिनिश होगा। क्या हुआ, और सी स्टार्ट होगा 6 पे, उसको टाइम कितना 9 लगेगा, तो ये हो जाएगा 6 9 15। अब एच हमारा क्या होगा, जैसे सी फिनिश होगा हमारा एच स्टार्ट हो जाएगा 15 पे, और इसको टाइम कितना लगेगा 6, तो 15 6 21। फिर हमारा क्या आ जाएगा, हम लोग देखेंगे बी के लिए। तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा स्टार्ट ये भी बी पी 0 पे स्टार्ट होगा, इसको टाइम कितना लगेगा 6.83, तो इस पर वो फिनिश होगा। अब ये जैसे ही फिनिश होगा तो यहाँ पे ई स्टार्ट हो जाएगा 6.83 पे, और एफ भी 6.83 पे स्टार्ट हो जाएगा। डी का हम लोगों ने देखा नहीं, डी यहाँ पे 6 है ना, तो ये भी 6 पे स्टार्ट होगा, इसको टाइम लगेगा 11.5, मतलब ये हो जाएगा कितना 11 6 17.5। और जी का हम लोग रुकते हैं अभी, क्योंकि जी को हम लोग को यहाँ पे 3 पॉसिबल वैल्यू आएंगी, तो उसमें से एक कैलकुलेट हम एक हम लोग को कंसिडर करना होगा। तो वो कैसे करते हैं अब वो देखेंगे हम लोग। इसको हम लोग को ऐड करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3 8 5 13 का 3, और 12 6 18 1 हो जाएगा 19.33। और यहाँ पे एफ़ का अगर हम लोग देखें तो 18 6 हो जाएगा 24.83। अभी जी के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे, हमारे पास 3 पॉसिबल वैल्यू है। कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू है, एक तो हमारा 15 है, 17.5 है, और 19.33। तो इसमें से हम लोग कौन सा लेंगे, तो हम लोग क्या देखा, जब भी हम लोग फॉरवर्ड की तरफ मूव करते तो हम लोग को जो मैक्सिमम वैल्यू दिया हुआ होता है ना वो कंसिडर करते हैं। तो 15 17.5 और 19.33 में हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 19.33 है, तो ये हो जाएगा 19.33, और इसका टाइम कितना 9 लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 28.33 से। और यहाँ पे एंड का लिए देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 3 पॉसिबल वैल्यू है, 28.33 21 और 24.83। तो हम लोग का एंड का भी होगा, जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है 28.33, तो ये हम लोग कंसिडर करेंगे अभी। तो ये तो हमारा फॉरवर्ड हो गया, अभी हम लोग बैकवर्ड आएंगे। हम लोगों ने क्या किया, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश कैलकुलेट किया है, अभी हम लोग लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश कैलकुलेट करेंगे। तो ये 28.33 है, तो ये 28.33 पे यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश होगा, ये भी 28.33 पे लेटेस्ट फिनिश होगा, ये भी 28.33 पे लेटेस्ट फिनिश होगा। अभी यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे लेटेस्ट स्टार्ट कितना हो जाएगा, फिर इसके लिए 6 माइनस कर देंगे, तो 28.33 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 22.33, और 28.33 में 9 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 19.33। अभी यहाँ पे ये 20.33 है, और यहाँ पे हम लोग को क्या आ रहा है 19.33। तो सी जो है हमारा, यहाँ पे सी के लिए 2 पॉसिबल वैल्यू है, क्या क्या, एक तो 22.33 है और एक 19.33 है। तो हम लोग फॉरवर्ड में क्या करते थे, मैक्सिमम वैल्यू लेते थे ना, तो बैकवर्ड में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू लेंगे। तो हमारा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितना है, 19.33 है,
तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लेंगे 19.33। और यहाँ पे ये जो है तो ये तो हो जाएगा 19.33, और ये भी हमारा हो जाएगा 19.33। और यहाँ पे 28 में से अगर हम लोग यहाँ पे 18 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10.33। तो ये 19.33 आया, इसमें से हम लोग 12.5 माइनस करना है, तो 19.33 में से अगर 12.5 हम लोग माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 होगा, 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 6.83। तो यहाँ पे हम लोग कितना आया, 6.83। अभी बी के लिए यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू है, एक तो 6.83 है, एक 10.33 है। तो हम लोग क्या देगा, जब भी हम लोग बैकवर्ड जाएंगे मिनिमम लेंगे तो ये कितना लेगा, 6.83। अब 6.83 में 6.83 माइनस करेंगे तो 0। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो है 19.33 था, इसमें से अगर हम लोग 11.5 माइनस करेंगे तो ये होगा 3, 13 में से 5 गया 8, और ये होगा 18 में, तो हमारा क्या है, 7.83। तो हो जाएगा 7.83, और यहाँ पे 7.83 है, और यहाँ पे जो हम लोग 19.33 में से माइनस करेंगे तो ये होगा 10.33। तो दोनों में से हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे, तो दोनों में से जो हमारा छोटा रहेगा वही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे 7.83 छोटा है तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, 7.83 को। और ये हमारा, एक मिनट, 30 में से गया 8, ये यहाँ पे हो जाएगा, हाँ प्रॉपर है। तो 7.83 में 6 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 1.83। तो अभी हम लोगों को सभी जो हमारा जो भी एक्टिविटी था उसका अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश मिल गया। अभी हम लोग को स्लैक कैलकुलेट करने गए। अभी स्लैक का जो फॉर्मूला होता है ना, वो या तो होगा अर्ली स्टार्ट माइनस लेटेस्ट स्टार्ट, या तो अर्ली फिनिश माइनस लेटेस्ट फिनिश। मतलब या तो हम लोग दोनों लेफ्ट वाले साइड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों राइट वाले साइड को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग सारे जो हम लोग को एक्टिविटी दिया ना, सभी का स्लैक कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग ए वाले के लिए देखते हैं। तो ए वाले के लिए अगर स्लैक कैलकुलेट करोगे ना, तो 1.83 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1.83। तो ये हमारा ए का स्लैक हो गया। और सिमिलरली अगर आप लोग 7.83 में से भी 6 करोगे तो आपको उतना ही आएगा। ए का हम लोग बी का देखते हैं। तो बी में हम लोग को 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 आएगा, या फिर 6.83 में कोई भी एक साइड का आप लोग माइनस कर सकते हो। तो ये कितना है हमारा, 0 आया, तो बी का वैल्यू हम लोग को मिला 0। सी की वैल्यू अगर आप लोग चेक करोगे तो यहाँ पे 10.33 में 6 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 4.33। एच की, सी के बाद क्या है हमारा, डी है, तो डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 7.83 में 6 तो कितना होगा यहाँ पे, 1.83। फिर डी के बाद हमारा ई है, तो ई की अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6.83, 6.83 मतलब 0 आएगा। फिर ई के बाद हमारा क्या है, एफ़ है, एफ़ की कैलकुलेट करेंगे तो 10 में से यहाँ पे 10.33 में 6.83 आया, 10.33 में से 6.83 को हम लोग माइनस करेंगे तो ये 0, ये हो जाएगा 12 का 2, 12 में से 8 गया तो ये, सॉरी 13 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, तो 3.50 आया। तो हम लोग को यहाँ पे एफ़ का जो है वो आया 3.50। फिर एफ़ के बाद हमारा क्या है, जी है, तो जी की अगर हम लोग वैल्यू चेक करेंगे यहाँ पे तो 19.33, 19.33 मतलब दोनों सेम है, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। और एच की जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग का, एच क्या था, 22.33 माइनस 15 तो कितना आएगा, 7.33। तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करोगे ना, एक बहुत ही मतलब हम लोग को अच्छी चीज़ें सीखने मिलेगी यहाँ पे, कि जो 0 वाले वैल्यू आए ना वो हमारे क्रिटिकल पाथ में इंक्लूड थे। क्या क्या है, 0 बी आया, ई आया और जी आया। अगर हमारा क्रिटिकल पाथ भी देखोगे तो बी ई जी है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो भी आपका क्रिटिकल पाथ में आया हुआ होगा ना, उसका स्लैक का वैल्यू हमेशा 0 आता है। अगर 0 नहीं आया मतलब आपने कुछ मिस्टेक किया है। तो क्वेश्चन का तो आधे से ज़्यादा पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। अभी हम लोग क्या करना है, अभी हम लोग को ना ये क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जेड का, हम लोग को उसका यूज़ करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, वो जेड कैलकुलेटर का जो फॉर्मूला होता है ना, जेड इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा सी पी। अब यहाँ पे ये जो एक्स है ना, ये होता है ड्यूरेशन जो हम लोग को गिवेन होगा क्वेश्चन में, और यहाँ पे म्यू है ना, ये हम लोग को एक्चुअल ड्यूरेशन जो लग रहा है, ड्यूरेशन जो हम लोग को कैलकुलेट करके मिला है। और ये सिग्मा सी पी होता है, ये हमारा मीन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन। अब ये मीन किसका लेते हैं, तो ये हम लोग क्रिटिकल पाथ का लेते हैं। उसको कैसे लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं। जैसे सिग्मा सी पी का जो फॉर्मूला हो जाएगा ना, वो हो जाएगा रूट ऑफ, यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन का
जो है ना हमारा क्रिटिकल पाथ का है, BEG है ना, तो सिग्मा ऑफ B इसका स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ E इसका स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ G इसका स्क्वायर, तो ये सभी चीज़ों का मिला के जो रूट हमारा आएगा वो हमारा यहाँ पे आएगा सिग्मा CP। तो हम लोग वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वो हमारा जो हम लोगों ने ऑलरेडी वेरिएंस निकाला हुआ था, तो हम लोग B के लिए अगर वेरिएंस चेक करेंगे तो कितना है 0.25 है, तो B का हमारा आएगा 0.25। फिर सिग्मा हम लोग को E के लिए चेक करना है ना, E का कितना है यहाँ पे, E का अगर आप लोग चेक करोगे ना तो है 2.25, तो ये हो जाएगा 2.25। और G के लिए अगर चेक करोगे तो वो है 1। तो अभी हम लोग इन तीनों को अगर ऐड करें यहाँ पे तो हम लोग को जो आंसर मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2.1 हो जाएगा 3.50। अभी 3.50 सिग्मा CP आया है, इसका अगर हम लोग रूट लेंगे ना तो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली मिलेगा यहाँ पे 1.87। तो इसी को अब यूज करके हम लोग अभी यहाँ पे जेड की वैल्यू फाइंड करने वाले। अब ये जेड जो है ना ऑलरेडी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है होगा, जेड टेबल करके होता है, वहाँ से हम लोग टेबल का वैल्यू निकाल के प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। बट आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको टेबल देखने की ज़रूरत नहीं, एक्चुअली में हम लोग जो हमारा कैलकुलेटर अलाउड होता है ना साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें हम लोग जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जेड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स हमारा नंबर ऑफ डेज कितना गिवन था, 30 था, तो 30 माइनस म्यू हम लोगों को कितना मिला है, म्यू जो हमारा है ना ये एक्चुअल जो हमारा टाइम आया था कितना आया था, वो आया था 28.33, और ये हमारा 1.87 है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.893। तो ये 0.893 है ना, ये हम लोग को जेड की वैल्यू आई है। अब इससे हम लोग को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कैल्सी में कि उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आपको यहाँ पे मोड सेटअप पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको क्या करना है 3 दबाना है, हम लोग को स्टैट्स वाला चाहिए तो हम लोग 3 दबाएंगे, 3 तो यहाँ पे इसमें से हम लोग कुछ भी नहीं चाहिए तो हम लोग AC दबाएंगे। इसके बाद है ना आपको शिफ्ट और फिर बाद में 1 दबाना है, तो आपको कुछ इस तरह का डेटा आएगा। अब इसमें से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो हम लोग यहाँ पे 5 दबाएंगे और फिर 1 वाले में प्रोबेबिलिटी हमारा आएगा। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना आया था, 0.893 आया था ना, तो हम लोग यहाँ पे उसको डालेंगे 0.89 और 3, तो इसका जो आंसर मिलेगा ना वही हमारा प्रोबेबिलिटी होगा। तो इसका आंसर अगर तो यहाँ पे चेक करोगे तो हम लोग को आया 0.8140। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी वर्क को कम्प्लीट करने की, वो होगी 0.8140। और ये हम लोग को मिला है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर देंगे तो हो जाएगा 81.40%। तो आई होप आपको ये समझे कि कैसे हम लोग कैल्सी से जेड टेबल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।